एक लूट, सात किरदार, सभी गिरफ्तार। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी दिल्ली में हुई सबसे बड़ी लूट और उसके गुनाहगारों की। प्रगति मैदान में हुई लूट के आरोपियों की हकीकत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इनसे आप और हम जैसे लोगों का रोजाना वास्ता पड़ता है। सन की लंगड़, उस्मान और इरफान के इर्द गिर्द घूमती है प्रगति मैदान लूट कांड की पूरी कहानी। प्रगति मैदान में हुई लूट की साजिश रचने वालों में सब्जी वाला, नाई, मैकेनिक और डिलीवरी बॉय शामिल है। सभी आरोपियों ने लूट करने से पहले कई दिनों तक रेकी की और फिर 24 जून का दिन मुकर्रर करते हुए दिन दहाड़े इस बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। लूट का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद 26 जून को सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उसके बाद पुलिस ने महज 30 घंटे के अंदर 7 आरोपियों को धर दबोचा। उस्मान है जो पहले अमेजोन का कुरियर बॉय होता था और वो इस इलाके में चांदनी चौक में 6-7 साल से डिलीवरी बॉय था और उसको ये अंदाज़ा था कि यहाँ थोड़ा कैश का मूवमेंट होता है, ये जो एरिया है कुचा महाजनी वगैरह वाले जो चांदनी चौक के एरियाज हैं, तो उसको ये लग रहा था कि ये रोज़ रोज़ के जो कमाई करो, ये करो, एम्प्लॉयमेंट करो, नौकरी करो, तो कोई बड़ा हाथ मार लिया जाए ताकि सारे कर्जे भी दूर हो जाए, फिर ऐश की जाए। तो उसने फिर इन लोगों को आगे टिप किया कि मैं बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी को लूटना है और उसमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा और हम लोग फिर आराम से जिंदगी ऐश की जिएंगे। प्रगति मैदान टनल लूट कांड में शामिल सातों किरदार दिलचस्प हैं। हालांकि पहली नजर में ये सभी वो आम लोग हैं जिनसे हमारा हर दिन मेल मिलाप होता है। आइए आपको बताते हैं कौन है प्रगति मैदान लूटकांड के असली किरदार। किरदार नंबर 1, डिलीवरी बॉय उस्मान। प्रगति मैदान लूट का मुख्य आरोपी उस्मान है। उस्मान डिलीवरी बॉय का काम करता है, जिसने लूट की पहली प्लानिंग बनाई। उस्मान की उम्र सिर्फ 25 साल है। उस्मान एक ऑनलाइन शॉपिंग का डिलीवरी एजेंट है और दिल्ली के बुराड़ी में रहता है। वो चांदनी चौक में सबसे अधिक काम करता था। उसे इस पूरे इलाके के लेन देन की जानकारी होती थी। उस्मान ने कई लोगों से पैसे लिए हुए थे। वो कर्ज में डूबा हुआ था और इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने कैश ले जाने वालों और लाने वालों को शिकार बनाने का प्लान बनाया। उस्मान ने इसके बाद अपने हजामत करने वाले भाई इरफान का साथ लिया और लूट की प्लानिंग कर डाली। किरदार नंबर 2, हजामत करने वाला इरफान। मुख्य आरोपी उस्मान का चचेरा भाई। इस लूट कांड में जो शामिल है, जितनी खास उनकी भूमिका है, उतना ही दिलचस्प उनका प्रोफेशन भी है। उस्मान ने अपने चचेरे भाई इरफान को इस गैंग में सबसे पहले शामिल किया। इरफान ने लूट की योजना बनाने के लिए सबसे पहले बाइक का जुगाड़ करने के लिए उत्तर प्रदेश के बागपत और लोनी के रहने वाले जानकारों से संपर्क किया। इस लूट में एक स्प्लेंडर और अपाचे बाइक का इस्तेमाल किया गया था और ये दोनों ही बाइक चोरी की थी। किरदार नंबर 3, अनुज मिश्रा उर्फ सन की। दिल्ली जल बोर्ड में बाइक मैकेनिक। प्रगति मैदान टनल लूट कांड के वक्त अनुज मिश्रा उर्फ सन की बाइक चला रहा था। वो दिल्ली जल बोर्ड के गोदाम में मैकेनिक है और कभी कभी राइडर का भी काम करता है। सनकी नाम से इस आरोपी की उम्र सिर्फ 26 साल है। टनल में उसने बाइक को ऐसे रोका था जिसके बाद पहली गाड़ी रुके और फिर 4 बदमाश नोटों से भरा बैग हथियारों के बल पर लेकर रफू चक्कर हो जाएं। किरदार नंबर 4, कुलदीप उर्फ लंगड़। टनल लूटकांड में इस बात का खुलासा हुआ है कि इसमें पुराने रॉबर, नए लड़के और मुखबिर भी शामिल है और सबने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। लूट का चौथा किरदार कुलदीप उर्फ लंगड़ है। वो जहांगीरपुरी का रहने वाला है
और इस वारदात में उसने उस्मान का सबसे ज्यादा साथ दिया और वो एक्टिव रहा। उसने सारे लॉजिस्टिक मुहैया कराए थे और लूट के बाद इस्तेमाल हुए सभी सामान को समय रहते ठिकाने भी लगा दिया। कुलदीप उर्फ लंगड़ पेशेवर अपराधी है। उस पर 16 से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस को उसकी लंबे वक्त से तलाश थी और आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इनको पता था कि कैश ट्रांजेक्शन लगभग दोपहर में होता है, 2 से 5 बजे, तो 2 बजे ये वहाँ पहुँच जाते थे और फिर ये उसको कौन पैसे का बैग लेके आ रहा है उसको तलाशते रहते थे। वीरवार को इनको कोई ठीक टारगेट नहीं मिला, फिर ये शुक्रवार को फिर से गए और शनिवार को फिर से गए। शनिवार को इनको लगा हाँ ये आदमी जो लेके जा रहा है इस बैग में कुछ पैसा लग रहा है। अब वहाँ पे अगर आपको पता हो भी गाड़ियाँ मना है अंदर जाना चांदनी चौक में, तो लोग पैसे या जो भी सामान है उसको रिक्शा में लेके आते हैं और फिर जब लाल किला के पास आते हैं तो वहाँ से रिक्शा में से कैब वगैरह करते हैं। तो वहाँ की CCTV फुटेज जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने निकाली वो हमारे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुई, क्योंकि उसमें ये सारे लोग रैकी करते हुए और फिर जैसे ही उसने कहा कि HR नंबर ये नंबर की गाड़ी में का पीछा करो क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है पैसा जा रहा है, इसने इरफान और उस्मान ने ये इन्फॉर्मेशन दी। तो उस्मान का काम मेन था वहाँ से इन्फॉर्मेशन देने का, उसके साथ ये सुमित था और गाड़ी पे जो गए थे उसमें इरफान, बाला, सनकी और एक आदमी जो अभी बाकी है उसका नाम आना बाकी है और एक पहलवान भी है, इनकी आइडेंटिटी एक दो लोगों की अभी बाकी है। सब कुछ तय हो जाने के बाद साजिश के तहत इरफान, उस्मान, अनुज मिश्रा उर्फ सनकी और प्रदीप नाम के बदमाश 2 बाइक पर वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। साजन और उसका साथी दोनों जैसे ही ओला कैब से टनल के पास पहुंचे, आरोपियों ने हथियार के दम पर पहले कार रुकवाई और फिर नोटों से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि लुटेरों को लग रहा था कि टनल के पास इस वारदात को अंजाम देना ठीक रहेगा जिससे उन्हें कोई रोक ना सके, लेकिन वो भूल गए थे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और दिल्ली पुलिस ने उन्हें लूट कांड के बाद महज 30 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया। इस वारदात को सुलझाने में सबसे अहम मदद लाल किले के पास लगे CCTV ने की, जिसमें इरफान और सुमित दोनों लगातार 3 दिन तक इलाके में रेकी करते हुए स्पॉट किए गए थे। 7 लोगों को अरेस्ट किया है और इस केस को सॉल्व किया है। इस केस में खास बात यह है कि सब तरह की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, CDR एनालिसिस, IPDR एनालिसिस, CCTV फुटेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ में सभी टीम्स का अलग अलग जगह पे दबिश, चाहे वो हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, वेस्टर्न यूपी, इवन ईस्टर्न यूपी तक, सभी टीम्स ने बहुत ही परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हुए इस केस को सॉल्व भी किया है और रिकवरी भी की है और एविडेंस भी इकट्ठा किया है। टनल लूट कांड का फुटेज वायरल होते ही प्रशासन से लेकर सत्ता के गलियारों तक हंगामा मच गया। एक तरफ जहां इस घटना ने पौश इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग के जहन में डर बैठा दिया। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में लूट की वारदातें हुई हैं जिसने राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली पुलिस ने इस लूटकांड का खुलासा 3600 लोगों से पूछताछ के बाद किया है। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई जगह छापेमारी की और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट के मुख्य किरदारों में कोई डिलीवरी बॉय है, कोई हजामत बनाता है, एक सब्जी बेचता है और दूसरा मैकेनिक है। गिरफ्तार हुए लुटेरों के पास से दिल्ली पुलिस ने लूटा हुआ 5 लाख रुपए का कैश अब तक बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि जल्द ही इस केस में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो यह थी एक लूट और उसके 7 किरदार की पूरी कहानी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए,
सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।